नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अब खबर आ रही है कि हिंसा में जिन 4 किसानों की मौत हुई है उनमें एक 19 वर्ष का किसान लवप्रीत सिंह भी था। मौत के आखिरी पलों में लवप्रीत सिंह ने अपने अस्पताल के बेड से पिता को बुलावा भेजा और जल्दी आने की गुहार लगाई। हालांकि जब तक परिवार पहुंच पाता काफी देर हो चुकी थी। लवप्रीत और 3 अन्य किसान रविवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में मारे गए 8 लोगों में शामिल थे। मंत्री के काफिले में शामिल एक कार ने 4 किसानों को कुचल दिया था। किसानों का आरोप है कि कार को मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा चला रहा था। यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। ताबूत में रखे शव के बगल में फफक फफक कर रोते हुए आज लवप्रीत के परिवार ने ऑटोप्सी रिपोर्ट और आशीष मिश्रा के खिलाफ हुई एफआईआर की कॉपी दिए जाने तक अंतिम संस्कार न करने की बात कही है। लवप्रीत के पिता ने कहा है कि मेरा बेटा कार से नीचे कुचला गया। इन्होंने इसके लिए जिम्मेदार शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। लवप्रीत की 2 बहनें अपने इकलौते भाई की मौत से सदमे की स्थिति में हैं। लवप्रीत ये कहते हुए घर से निकला था कि वो अच्छे काम के लिए जा रहा है, जिसके बाद उसकी मौत की खबर आई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।